नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार यादव और मैं आज ये भैया के खेत में आया हूँ जहाँ की ये आलू की खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? मुजीब अहमद। इनका नाम, भैया का नाम मुजीब अहमद है और ये लखनऊ के सिकरौरी गांव से हैं। भैया के आलू में कुछ बीमारियाँ लग गई हैं जो कि बहुत ही आलू की फसल के लिए नुकसानदायक हैं, तो इन्होंने मुझे बुलाया कि आप आइए और अपने साथ जो भी आए हैं, भैया जी हमारे आए हैं, ये जेके सीड्स से हैं भैया जी, जो कि जेके सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बीज का बहुत ही बड़ा और बढ़िया उत्तम क्वालिटी के बीज जेके सीड में आते हैं। भैया जी आप उनको कुछ आलू के बारे में जानकारी दीजिए। ये जो आलू की पत्तियों में ये आपका जो है ये काले काले धब्बे बने हुए हैं, इसके बारे में आप इनको बताइए। किसान भाइयों ये देखिए, आप इसकी पत्तियों के नीचे जो है काले काले धब्बे बने हुए हैं, इसके बारे में भैया जानकारी भैया को बताएंगे। भैया बताइए कुछ। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है, मैं जेके सीड से हूँ और मैं आपको इसके बारे में, आलू के बारे में बता रहा हूँ। ये जो आलू में धब्बे पड़ रहे हैं इसको यहाँ तक ज़्यादातर लोग तो जानते ही नहीं हैं और इसको लोग खर्रा बता देते जाके, और देखा जाए तो ये देसी भाषा में ये मुरझा रोग होता है। किसान भाइयों, भैया के कहने का मतलब ये है कि जो इसमें आपके पत्तियों के पीछे या आगे आपको काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ के जो भी जानकार हैं या बीज भंडार या पेस्टिसाइड दवा वाले जो भी लोग हैं, वो इसे झुलसा समझकर कोई ना कोई बढ़िया फंगीसाइड यानी कि फफूंद नाशक डलवाते हैं। और भैया के कहने का मतलब है कि इसमें झुलसा नहीं, किसी अन्य पोषक तत्व की कमी है जो भैया जी अभी बताएंगे। और इसमें आप 100 ग्राम टंकी के हिसाब से मैग्नीशियम और 100 ग्राम के हिसाब से मैंगनीज का स्प्रे अच्छा करिए, इसका आपको बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा। इससे अच्छे कल्ले भी निकलेंगे और आपका पेड़ भी सही हो जाएगा। अच्छा भैया, इसका स्प्रे जो है कितने दिन के बाद में करना चाहिए, जब फसल बोई जाने की कितने दिन बाद करना चाहिए? वैसे कोशिश हो तो 45 से 50 दिन पर पहला स्प्रे हो जाए तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि लगता उस समय नहीं है। अच्छा, अगर एक भी पेड़ दिख जाए खेत में जी, तो आप उसका तत्काल स्प्रे कर दीजिए, फिर आगे लगेगा ही नहीं जाके। ठीक है भैया, आप जो है इसका, इनका कहने का मतलब है कि इसमें जो काले दाग धब्बे बने हुए हैं आलू की पत्तियों के नीचे, किसान भाइयों जो काले दाग धब्बे इस समय दिखाई दे रहे हैं, मौसम बहुत ख़राब है, फिर भी किसान भाइयों काली काली जो इन पत्तियों के नीचे काले दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं, इनके नीचे इनकी रोग के लिए, रोकथाम के लिए किसान भाइयों इसमें सर्वप्रथम मैग्नीशियम 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी, यानी कि और उसी के साथ में 100 ग्राम मैग्नीज, किसी अच्छी कंपनी का जो आपके आसपास बीज भंडार की दुकानों पर उपलब्ध हो, आसानी से मिल सके, आप लेकर 100 ग्राम मैग्नीशियम और 100 ग्राम मैग्नीज दोनों को अलग अलग घोल कर एक में मिला लें, और एक में मिलाने के बाद आप इसका छिड़काव करें। इसका छिड़काव आप प्रत्येक 10 दिन पर 2 बार करें, ताकि जो आपकी फसलें हैं या फसलों में जो काले दाग धब्बे हैं ये आपका कंट्रोल हो जाएगा और आगे आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। भैया समझ गए आपको? जी जी समझ गए। ये जो भैया बता रहे हैं कि आपके काले दाग धब्बे जो बन रहे हैं आलू की पत्तियों के नीचे, ये मैग्नीशियम और मैंगनीज की कमी से बनते हैं, तो इनका कहना है कि आप इसमें सर्वप्रथम मैग्नीशियम 100 ग्राम और मैंगनीज 100 ग्राम दोनों अलग अलग घोल कर, अगर आपसे हो सके तो आप इसमें कोई ना कोई हल्का सा फंगीसाइड यानी कि फफूंद नाशक जो भी कोई है, जैसे इस समय आलू की फसलों पर डाइथेनियम 45, जिसमें मैनको जब 75% WP पाया जाता है किसान भाइयों, इसका 50 ग्राम प्रति टंकी यानी कि 100 ग्राम मैग्नीशियम 100 ग्राम मैंगनीज और 50 ग्राम मैनको जब यानी कि M45 तीनों का अलग अलग घोल बनाकर एक साथ स्प्रे करने से, यानी खड़ी फसल पर धुलाई कर छिड़काव करने से आपको
इस फसल में इस रोग से निजात मिल जाएगी। किसान भाइयों, यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।